निर्वाचन ये उपनिर्वाचन का घोषणा हुआ, आचरण संहिता लग गया। आचरण संहिता लगने के साथ ही साथ पहले ही दिन पश्चिम बंगाल सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसको भंग कर दिया। कलकत्ता में भवानीपुर में जब उपनिर्वाचन है तो भवानीपुर का जिला होता है केएमसी का इलाका, केएमसी के इलाके में खड़े होके मुख्यमंत्री 36,000 दुर्गा पूजा कमेटी और 2,500 कलकत्ता में दुर्गा पूजा कमेटी के तरफ, उन्होंने ये सब संख्या वो बोली हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा सार्वजनिक तौर पे आप लोग नहीं दिखाया है, हम आपके पर्दे से ही देख के बोल रहे हैं। और जो ये घोषणा हुआ है और उसमें जो रुपया देने की बात हुई है, ये सीधा सीधा आचरण संहिता का को एकदम धज्जी उड़ाना है पहले ही दिन, क्योंकि उनको पता है कि साधारणतः वो नहीं जीत सकती हैं। एक बार तो भागी हुई है भवानीपुर से, एक उसके बाद नंदीग्राम हारी हैं, फिर हार मान के फिर यहाँ आई हैं, तब वो हर तरह से एन के एन प्रकरण जीतना चाहती हैं। इसके अलावा केंद्र बल के लिए हमने बात किया कि पर्याप्त केंद्र सशस्त्र बल यहाँ पर तैनात हो, जैसे कि साधारण विधानसभा चुनाव में रखा गया था, और बाद बाकी जो भी कोरोना विधि के हिसाब से, कोविड विधि के हिसाब से जो स्टेप लेना है वो ले। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।